ये देखो भैया अलर्ट रहे पहाड़ों पर गाड़ी लाने से पहले, ये देखो क्या हाल हो गया। ये सिर्फ 50 रुपीज में हमें होटल दिलवाने के लिए ले रहे हैं इसमें। कैसे कमाई करते हैं होटल वाले भी तो आपको कुछ देते होंगे भाई। 100 रुपए 500 रुपए फालतू दे देना गाइड को। लेकिन तो भाई वो सुबह के बजे हैं 4:30 और आप लोगों को पता है भाई दिल्ली में कितनी ज्यादा गर्मी है, इस वजह से भाई हमें तो पहाड़ बुला रहे हैं। हम जा रहे पहाड़ों पे, कहाँ पे लोकेशन आपको थोड़ी देर में बता दूंगा। फिलहाल जो हमारे साथ में गाड़ी है वो दिखा देता हूँ। भाई हमारे साथ है टाटा सफारी। अब एक प्रॉब्लम क्या है कि लोग तो हम हो गए, 3 बच्चे और 4 एडल्ट है, लेकिन ये है 6 सीटर मॉडल। ये देखो यहाँ पर कैप्टन सीट्स दी गई हैं। तो अब हम कैसे करेंगे वो हमें देखना, कैसे कैसे एडजस्ट करेंगे। बूट स्पेस दिखाऊं इसको, ये देखो मैंने बूट स्पेस खोल दिया है। ये देखो भाई इतना सा बूट स्पेस है, इसमें क्या सामान कोई रखेगा, ना के बराबर है। अब बूट स्पेस यूज़ करने के लिए ना सीटों को फोल्ड करना पड़ेगा। अब देखो, अब देखते हैं कितना सामान आ सकता है। तो देख लो भाई कितना सारा सामान है। चलो जी एक एक करके रखा जाए। ये अपने मनोज भाई हैं। ये देखो भैया कैसे कैसे हमने सामान को एडजस्ट करा है। अभी सामान तो एडजस्ट हो गया, अब हमें आदमी एडजस्ट करने हैं। आ जाओ गाइस। अब भाई कौन कैसे बैठ गया, इधर देखो, इधर देखो, इधर भी है, पीछे भी एक बच्चा है बेचारा। चलो भाई भगवान का नाम लेके, जय बब्बा की, सभी देवताओं की। भाइयों देखो टैंक को हमने फुल करा लिया है भाई, बहुत ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन जो दिल्ली के नियरेस्ट हमें नजर आया हिमाचल में वो कसौली था, तो हमने वहीं का फिलहाल कर लिया है। ऑन द स्पॉट जाके चेंज हो जाए तो वो अलग बात है, फिलहाल दिमाग में कसौली है। लगभग 11:15 बजे तक हम पहुंच जाएंगे। हाँ जी भैया, तो चल रहे हैं ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे पे। मैप भी आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये देखो आप, ये देखो भैया क्रूज कंट्रोल लगा दिया है पाओ, ये देखो मस्त अपना बैठे हुए हैं। अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल मिलता है, यानी ब्रेकिंग भी भैया खुद कर लेगी ये, ठीक है। अब एक और चीज दिखाऊं आपको। हेलो टाटा, सनरूफ खोल दो, प्यार से बोलोगे तो कोई भी सुनेगा, बीबी को छोड़ के। हेलो टाटा, सनरूफ बंद कर दो। बंद कर रहे हैं। बाकी फीचर वीचर देखो एकदम जबरदस्त है। ये देखो टच स्क्रीन, ये देखो भाई फीचर तो बहुत सारे हैं इसमें, भर भर के दिए। यूएसबी से आप इसमें वीडियो भी देख सकते हो, वीडियो प्लेयर अलग से दिया गया है। और साउंड का डेमो, हाँ मैं स्पीकर दिखाता हूँ आपको कितना जबरदस्त साउंड है। सुबह के 6:45 और हम आ गए हैं नाश्ता करने कहाँ पे, अमरिक सुखदेव पे भाई, पराठा खाएंगे। भैया हमने एक ब्लॉग भी बनाया था जिसमें हमने दिखाया था कि अमरिक सुखदेव पे कितनी कमाई होती है, कैसे कैसे क्या क्या मेन्यू है, सब कुछ बताया था। वो भी आप देखना चाहे तो वो भी आप देख सकते हो। नन्या कहाँ गई? अरे कहाँ जा रहे हो आप? क्या क्या स्विमिंग पूल? ओके, और बच्चे कहाँ हैं? आप कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? तो कुछ बोलती नहीं बच्ची। बताओ कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो बताओ? पता नहीं। तो भाइयों हमने अमृत सुखदेव पे जो है ब्रेकफास्ट कर लिया, उसके बाद निकल गए हैं। पराठा खाया, पनीर प्याज 120 रुपए का, आलू प्याज 100 रुपए का, चाय 35। इसमें से जो सबसे बढ़िया चीज थी वो चाय थी। भाइयों अब ड्राइवर जो है चेंज हो गए हैं। ये देखो अपने मनोज भाई ड्राइविंग कर रहे हैं, साइड वाली सीट पे आ गए हैं और हमारी गोदी में एक बच्चा आ गया है। बच्चा क्या कर रहा है, क्या खा रहे हो आप, क्या है? दवाई। तो कितने शैतान बच्चे है, कैंडी को भी दवाई बता रहे हैं। दवाई है, किस चीज की दवाई है? कैंडी की। ओके भैया कुछ सोए पड़े हैं, मौज आ रही है, कुछ ने ठोड़ी बाहर रख रखा, कुछ भैया ये खड़े हैं। हेलो करो, वेरी गुड। ये देखो भाई अम्बाला से हमने कट ले लिया है, अम्बाला कैंट होते हुए हम सीधा मुझे लगता है चंडीगढ़ जाके निकलेंगे। भाइयों ये चल रहा है अम्बाला कैंट का इलाका, मतलब कुछ बात तो है यार, आर्मी में अलग ही फील आती है। पर भाई देखने पे लग रहा है कि अम्बाला में भी ठीक ठाक गर्मी हो रही है इस समय, ज्यादा अंतर है नहीं दिल्ली और अम्बाला में। हमारे सफर में अब पहली बार हमें पहाड़ दिखने शुरू हो गए, वो देखो सामने पंचकूला आने वाला है। ऐसे पहाड़ तो हमें गुड़गांव में भी देखने को मिल जाते हैं। देखो भाई चंडीगढ़ के आसपास के इलाकों में ना मैं एक चर्चा सुनता था कि यहाँ ट्रैफिक रूल का बहुत कड़ाई से पालन किया जाता है, और मैं देख भी रहा हूँ। ये देखो यार वहाँ पर पूरा ट्रैफिक रुका हुआ है, यहाँ पर हम लोग रुके हुए हैं, इवन हमारे पीछे भी, ये देखो आप मिरर में पूरा जाम लगा हुआ है।
और ऐसा एक जगह नहीं, हर ट्रैफिक लाइट पे लोग इसी तरह से रूल्स को फॉलो कर रहे हैं। तो जो सुना था भाई, मैं देख भी रहा हूँ, सच में यार चंडीगढ़ या आसपास के इलाकों में इसी तरह से ट्रैफिक रूल्स को फॉलो किया जाता है। और यहाँ पर एक और चीज नोटिस कर लो भाई, यहाँ ना तो कोई कैमरा लगा है चालान काटने के लिए, ना कोई ट्रैफिक पुलिस वाला खड़ा है। तो ये चीज मैंने बहुत बढ़िया नोटिस करी है यहाँ पे। यही चीज अगर सिचुएशन दिल्ली, नोएडा, NCR में होती तो लोग भाग रहे होते, रेड लाइट मतलब हो या ना हो लोग तोड़ के चले जाते, बस वो ये चेक करते हैं कि कैमरा या पुलिस वाला तो नहीं है। एकदम प्योर ये इंटरनल रोड्स पे चल रहे हैं हम, पहाड़ों की जो अंदर की रोड्स होती है ना, शहर या मार्केट कह लो, वहां पे हम चल रहे हैं और हमें कोई परेशानी नहीं हो रही है। यहाँ पर मोस्टली लोग क्या प्रेफर करते हैं कि हम छोटे साइज की गाड़ी लेके जाए, इतने बड़े साइज में भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। 8 KMPL माइलेज डिस्प्ले पे शो कर रहा है, रियल वर्ल्ड में क्या होगा, यानी इससे कमी आप मान लो थोड़ा अपहिल आ रहा है, थोड़ा डाउनहिल आ रहा है, वापसी में भी कुछ ऐसा ही रहने वाला है मिक्स। तो भाई फिलहाल माउंटेन पे तो ऐसा ही माइलेज रहता है, मुझे उम्मीद नहीं है कि ज्यादा माइलेज मुझे मिल जाएगा। ये देखो भाई, जाना तो था मैं होटल लेने, लेकिन यहाँ पर जैसे ही एंट्री करोगे ना, आपकी ये 130 रुपीज की पर्ची काट दी जाएगी। अगर आप होटल लेना भी चाहते हैं ना, उसके लिए भी आपको गाड़ी पार्किंग में लगानी ही पड़ेगी। भाइयों यार, जो कसौली था वो तो हमें समझ में आया नहीं भाई, होटल ढूंढ रहे थे, होटल समझ नहीं आया, ना हमें जगह समझ में आई घूमने की। तो इसलिए भैया हमने तो यहाँ पे खाया खाना और फिर से लगा लिया मैप, कहाँ का, सीधा शिमला के लिए। तो भाइयों शिमला बचा है अभी कितना, 24-25 किलोमीटर दूर। और हमारे एक साथी जो कि ये देखो भैया, इसकी हालत खराब हो गई यार, उल्टियों पे उल्टियाँ। आज के बाद पहाड़ों पे आएगा कभी नहीं, घूमना है और कहीं नहीं जाना भाई को यार। भाई की तो बैंड बज गई, बैठ जा बेटा, इसके सर में भी दर्द है, बैठ बज गई यार। तो भैया अगर बच्चों को लाओ पहाड़ पे तो उनको दवाई खिला के लाओ, उल्टी वाली। हवा भी ना भाई ठंडी चल रही है, मतलब क्या बताऊं, लग रहा है कि हाँ यार सही जगह आ गए। देख रहे हो बाल कैसे उठ रहे हैं, चिल्ड हवा चल रही है। सर क्या नाम है? बलवीर सिंह। तो भाई हमें बलवीर सिंह जी मिले हैं, ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ 50 रुपीज में हमें होटल दिलवाने के लिए ले रहे हैं। इसको अच्छा ये कह रहे भैया होटल पसंद कर लो, नहीं आएगा तो कोई नहीं आएगा तो कुछ नहीं है, और मिल गया तो बढ़िया, अपना बजट में होटल दिखवाने वाले हैं, नहीं तो नहीं लेना, जबरदस्ती थोड़ी। बहुत बढ़िया, चलो भाई। ये है बलवीर सिंह मैप, बलवीर सिंह टूरिस्ट गाइड शिमला। बढ़िया काम करा तो इनके पास जरूर आना, बाद में पता चलेगा कैसा काम करा। ओ भाई व्यू देख लो यार, गजब यार, गजब भाई। जनवरी में क्या होता है जी? सर यहाँ पे जनवरी में जैसे बच्चों की छुट्टियाँ नहीं होती ना नीचे जी प्लेनों में जी। इस करके डिस्काउंट मिलता है सर होटलों में। अच्छा, कहीं 30 कहीं 40 कहीं 50। हाँ, सस्ते में घूमना है तो जनवरी में आ जाओ, प्लस बर्फ भी देख लो। दिसंबर में नहीं गिरती ना, तो जनवरी में तो गिरती है सर। हाँ, तो टूरिस्टों के बर्फ देखने का शौक भी पूरा हो जाता है। हाँ, तो क्या है, इसलिए आते सर लोग यहाँ पे, क्लाइमेट अच्छा है यहाँ, कोई क्राइम नहीं है। हाँ जी, इस करके भी लोग आते सर यहाँ। होटल मार्केट के पास लेना चाहिए जी, क्योंकि वहाँ पे सर ऐसा होता है ना, जैसे आपको होटल में नहीं खाना बाहर खाना। हाँ, तो आपकी ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन है सर आपके पास, वहाँ फंस जाते हैं हम। कहाँ दिख गई ये देखो भैया, अलर्ट रहे पहाड़ों पर गाड़ी लाने से पहले, देखो क्या हाल हो गया। यहाँ ऊपर वालों की ऐसी मेहरबानी सर, यहाँ एक्सीडेंट भी बहुत कम होते सर। हाँ मतलब गाड़ी, देवी देवताओं की बहुत आशीर्वाद है सर। अच्छा सर, एक सवाल पूछना चाहता हूँ, ये इतने लोग हाथ दे रहे हैं तो कैसे कमाई करते हैं? होटल वाले भी तो आपको कुछ देते होंगे सर, कुछ चाय पानी आप लोग देते हैं, कुछ होटल वाले देते। मतलब आप हमारे कोई भी जो आए ना टूरिस्ट, मैं टूरिस्ट से ये निवेदन करता हूँ कि होटल में जाके लिस्ट जरूर देखे भाई, कौन सा रूम कितने का है। क्योंकि बदनाम फिर हम लोग हो जाते हैं गाइड लोग भाई, जो रेट है ना उससे ज्यादा भी ले नहीं सकते होटल वाले। टूरिज्म ने रेट फिक्स किए सर, कोई लेगा तो उसका चलान बहुत मोटा होता है। पीछे बड़ा ही खतरनाक रास्ता था, बहुत ही छोटा रास्ता और ऐसा यू टर्न, बस ये सफारी थी जो इतनी बड़ी गाड़ी थी जो इजीली आ गई। ऑटो होल्ड है, सारा ऑटोमेटिक है, इस वजह से भाई देखो कैसी छोटी छोटी गलियां हैं यहाँ पे, और एक गाड़ी आ जाए तो दूसरी को निकलने में मुश्किल हो जाती है। देखो अब हमें निकलना है ना, तो एक गाड़ी को वापस जाना पड़ रहा है पूरा रास्ता, वो देखो वो जा रही वापस, उसको वापस जाना पड़ रहा है हमारे लिए। ये हमने दो रूम लिए हैं, एक देखो कितना बड़ा है, ये बेड है
इतना बड़ा रूम है, कितने में बताऊं कितने में? यकीन नहीं करोगे, ये होटल रूम हमें कितने में मिला, वो भी सीजन जब सीजन चल रहा है, 5500 में दो रूम मिल गए। लेकिन मुझे मना कर रहा था कि प्राइस मत बताना, वो इसलिए मिल गया क्योंकि जो भाई होटल में है अपना एक भाई, वो अपनी साइड का निकला तो उसने कर लिया एडजस्टमेंट। बिजनौर के भाई जहाँ भी मिलेंगे ना कहीं मदद ही कर देंगे। और एक चीज़ आपको सलाह देना चाहूँगा, जब भी किसी टूरिस्ट प्लेस में जाएं जिसके बारे में आप नहीं जानते, भाई 100 रुपये 500 रुपये फालतू दे देना गाइड को, लेकिन हेल्प ले लेना होटल में एटलीस्ट, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ ना पार्किंग है ना कुछ है, उस बंदे ने कैसे कैसे करके हमें रूम दिलवाया और जिस बजट में हमें चाहिए था उस बजट में दिलवाया है। और मनोज भाई आप बता दो, उस बंदे ने कितनी मेहनत करी है? देखो उस बंदे ने इतनी मेहनत की है कि वो हमारे साथ 5 किलोमीटर बैठ के आया, 3-4 होटलों में घुमाया हमारे, जो मतलब इतना मुझे लग रहा है अगर हम अकेले भी देखते तो इसका बजट इतना हाई जाने वाला था इस रूम का। इस काम के लिए उस बंदे ने हमसे फीस कितनी ली है, कितनी ली है भाई? वो बेचारे हमने 100 रुपए दिए, वो 100 रुपए नहीं पकड़ रहे थे, वो कहते मुझे 10-20 रुपए दे दो भाई, 10-20 रुपए बोल रहे थे, फिर बोले यार चलो 50 ही दे दो, हमने बोला नहीं 50 तो हमें ज्यादा ही कम रह जाएगा, हमने 100 रुपए फिर भी जबरदस्ती पकड़ाए हैं। ये देखो यार पार्किंग की यहाँ कितनी प्रॉब्लम है, कितनी चिपका के लगानी पड़ी है अपनी सफारी, ये देखो आप। इसका नाम है होटल लोड रेजेंसी भाई, माल रोड जाने का खुफिया दरवाजा, ये हम हैं सेकंड फ्लोर पे, अब यहाँ से देखो हम कहाँ जाएंगे। बंद कर लो दरवाजा, अब कहाँ जाना है? जा रहे हैं फोर्थ फ्लोर, देखो 1 2 3 पहले यही चलते 4। ये देखो ये है खुफिया रास्ता, आपको माल रोड पहुंचा देगा। ये देखो एक खुफिया रास्ता है जो कि हमें माल रोड लेके जाएगा। वाओ भाई ये है असली शिमला का रूप, ये देखो पहले तो ये देखो, ये है हनुमान जी का टेंपल, जय श्री हनुमान, और उसके बाद ये देखो चर्च वगैरह सब कुछ है भाई, ये है असली शिमला। यहाँ पर सारे एटीएम है, ये देखो भाई क्या चीज़ है, क्या है, टाउन हॉल है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन शिमला का, और नीचे लिखा था फूड स्ट्रीट शिमला हाई एंड कैफे, यानी कैफे भी है और बाकी चीज़ें भी हैं। कितने 11 बज गए भाई और हम अब निकले हैं कुफरी के लिए। अब जैसे ही हमने गाड़ी निकाली ना, हमें एक बात समझ में आई कि ये है भाई हिल्स का एरिया, यहाँ अपनी साइड ही चलना है, जरा सा भी दूसरी साइड हो गए ना तो चलान कट सकता है, कटा नहीं हमारा, लेकिन पुलिस वाले ने हमें वार्निंग दी है कि अपनी साइड चलो चलान कट जावेगा। तो हम जा रहे हैं कुफरी, वहां देखते हैं क्या सीन है। चीज और बता दो यार, अगर आपने एक भी गलत टर्न ले लिया ना भाई फंस जाओगे। क्यों फंस जाओगे? एक तो अपनी लेन में चलना है, रोड है छोटी, यू टर्न लेने की कोई जगह ही नहीं मिलेगी आपको। यकीन मानो मैं पिछले 5 किलोमीटर से भाग रहा हूँ, यू टर्न नहीं मिल पाया, एक गलत टर्न ले लिया था। पहाड़ों पे जो सबसे ज्यादा फीचर मेरे काम आ रहा है ना वो है ये, देख लो ये भाई साहब, ये देखो एक्टिवेट है स्क्रीन पे ऑटो होल्ड, और इसका क्या फायदा देखो, हल्का सा ना ढलान है, गियर में पड़ी हुई, मान लो मैंने छोड़ भी दिया ना, गाड़ी ना आगे जाएगी ना पीछे, सीधा ऊपर जाएगी, रेस दबाओ ऊपर जाएगी, जैसे ही रेस छोड़ दोगे फिर गाड़ी अपने आप रुक जाएगी भाई, बहुत काम का फीचर है। और ऑटोमेटिक की वजह से भी बहुत मदद मिल रही है, गियर वेयर बदलने नहीं है, ये दो फीचर ना बहुत काम के हैं। अगर हिल्स पे आओ तो अगर आपकी गाड़ी में ये दोनों फीचर है तभी सुकून मिलेगा। तो ये सर हमें एक गाइड मिल गया, सर नाम क्या है? अमर सिंह। गाइड होता है, कल हमें बलबीर सिंह मिले थे, आज अमर सिंह मिले। गाइड का ये लाइसेंस होता है भैया, दिखा दे, ये देखो ये लाइसेंस होता है, ऐसा नहीं भैया। तो ये हमें कुफरी के कुछ पॉइंट घुमाएंगे, और फीस भी इनकी बहुत ज्यादा कम है। सर कितनी फीस है भैया? ये तो हमारा 100-150 होता है, बाकी बक्से एक अलग होता है। अच्छा, जो आपको ठीक लगे सवारी को, चिटिंग बाजी नहीं होता। हाँ, फीस इनकी सिर्फ 100 रुपए, कोई 150 ले ले ऐसे रहती है, बक्से फिर अलग है ना, बाकी अगर किसी को अच्छा लगे तो दो, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। ओ, बिल्कुल सही। देखो भाई शिमला पार करके हम आ गए कहाँ? संजोली। और ये जो सामने आप घर वगैरह देख रहे हो ना, इसकी एक स्पेशल चीज बताता हूँ भाई, ये जो गाड़ियाँ खड़ी है ना कोई टूरिस्ट वगैरह की नहीं है, ये यहाँ के जो लोग हैं लोकल उनकी गाड़ियाँ हैं। क्यों खड़ी है? क्योंकि ये देखो अभी दिखाऊंगा आपको शहर कैसे बसा हुआ है, मतलब आप सुन के ना चौंक जाओगे। आप जो दिल्ली विल्ली वाले हो ना या कहीं के भी हो यार, आपको पता चलेगा कितना स्ट्रगल है यहाँ की लाइफ में। ये देखो सीढ़ियाँ दिख रहे हैं आपको, इसमें चढ़ना पड़ता है। ये देखो मैं सीढ़ियाँ दिखाता हूँ आपको, ये सीढ़ियाँ
है ना, ये सीढ़िया भैया यहाँ पे सिर्फ सीढ़िया हैं, आपकी साइकिल या बाइक भी नहीं जा पाएगी ऊपर, बस सीढ़ियों से जाओगे। देखो कितने ऊपर तक मकान बने हुए हैं, लेकिन किसी के लिए कोई पार्किंग वार्किंग कुछ नहीं है भाई। ये है स्ट्रगल यहाँ की लाइफ का। दूर से आपको अच्छा लगेगा कि वहाँ पहाड़ों पे घूमने जा रहे हैं। जो लोग यहाँ रह रहे हैं ना, उनसे पूछो कि कैसे वो लाइफ बिता रहे हैं। यहाँ पे इंडस्ट्री नहीं है, कमाई बेचारों की सिर्फ टूरिस्ट से है। हैप्पीपुरा यहाँ पे एडवेंचर पार्क है, कैसा है मैंने अभी देखा नहीं, जाके देखते हैं। पार्किंग का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, अभी बहुत थोड़ी सी प्रॉब्लम है यहाँ पे, लेकिन सोच समझ के लगानी पड़ती है। फिर भी लग गई। तीन सेक्शन है, एडवेंचर, गो कार्टिंग और अम्यूजमेंट। एडवेंचर पे करवाएंगे रिवर्स बंजी, जिप लाइनिंग, लैडर ब्रिज, वॉल क्लाइंबिंग, नट क्लाइंबिंग, बर्मा ब्रिज, ठीक है। सिक्स एडवेंचर करवाएंगे, इसका 1000 वन पर्सन का टिकट है ऑल सिक्स का जी। अम्यूजमेंट पे फ्रिस्बी, टॉप स्पिन, डैशिंग कार, वॉटर सर्फिंग, 7D, हॉन्टेड हाउस एंड मिरर मेज, ये भी सिक्स गेम्स करवाएंगे, 1000 का टिकट है। क्लब करते हैं आप सिक्स एडवेंचर और सिक्स अम्यूजमेंट, कॉम्बो का चार्ज रहता है 1500 का, 12 एक्टिविटीज है। गो कार्टिंग करते हैं, इसका इंडिविजुअल 1000 का टिकट रहेगा। सिक्स राउंड करवाते हैं, 200 मीटर्स का वन राउंड, सर्कल पे राउंड होता है, ये बड़ों के लिए रहती है सर। अच्छा, बाकी बच्चों के साथ करना, ये 1000 का टिकट है सिंगल। इसका नंबर है ये, उधर तक जाना है। थोड़ी सी मतलब थोड़ा सा पेट में अजीब सा हुआ, फिर बोला जय श्री राम और हो गया। देखो भाई एक दूसरी एक्टिविटी है ये वाटर वाली, इसके अंदर घुस जाओ ऐसे करके और फिर इसको चलाना है, एंजॉय करना है। देखो भाई पूरी रस्सी टाइट हो गई, अब देखना मजा। बहुत लोग एंजॉय कर रहे हैं ना, पर कुछ लोग मायूस भी बैठे हैं। क्या हुआ तुम्हें, क्या नाम है तुम्हारा, कुछ बोलते क्यों नहीं, चाय चलेगी, चेहरे पे कपड़े भी नहीं है। नजारा देख लो भाई, ये यार ये क्या खा गया, चॉकलेट, ये देखो भाई। ओ ये हम किस में आ गए, फूल भुलैया, भूत वाले कमरे में। ओ ओ वाओ, हेलो गाइस, कहाँ जाना है हमें। 1000 रुपए पर पर्सन हमसे लिया है और 6 राइड हमें मिल रही हैं, कोई सी भी 6 अपनी मर्जी से चुन लो, एक दूसरे को टक्कर माननी है। ये देखो बेटा कुछ भी नहीं है, बस खत्म हो गया। चलो 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 चलो, लो खुल गया खुल गया, लो बेटा बस। डर गई बच्ची। ट्रिप हम ऑलमोस्ट खत्म करने वाले हैं कि अब हमें जाना है वापस दिल्ली, और इससे ज्यादा रुकना ठीक नहीं है, नाइट में ड्राइव भी करना है। तो ये शेर पंजाब रेस्टोरेंट दिख गया, व्यू बहुत जबरदस्त है यार, सोचा है थोड़ा सा यहीं पे खाना पीना कुछ कर लिया जाए। ये गाड़ी अपनी पार्क कर दी है, अब चलते हैं शेर पंजाब में। लंच हो गया, वापस निकल गए, इतनी धूप है, दोपहर ही है, धूप निकल रही है, टेम्परेचर देखो क्या है, 26 डिग्री। ठीक है जी, मजा आया आपके साथ हमें, धन्यवाद, बहुत बढ़िया, बाय। भाइयों पहाड़ों पे घूमने आ रहे हो और ट्रैफिक जाम से बचना ना, उसका टिप बता देता हूँ, फ्राइडे से पहले पहले आ जाना। देखो आज फ्राइडे है और ये देखो लगातार गाड़ियां, ये देखो लगातार गाड़ियां रुक रुक के जा रही है, ट्रैफिक जाम देख लो भाई, ये हालत है शिमला की, ये देखो गाड़ियां कैसे खड़ी हुई है, कई कई घंटे इनको ट्रैफिक जाम में रहना है। और यहाँ गूगल मैप भी देख लो क्या दिखा रहा है, पूरा भाई ये रेड हुआ पड़ा है, येलो हुआ पड़ा है। तो बचने का एक ही टिप है, जैसे हम हैं घूम के जा रहे हैं फ्राइडे से पहले पहले, भैया घूमने आना है तो वीकेंड से पहले पहले आ जाओ, वरना ऐसे फंस जाओगे। देखो हम तो जा रहे हैं रपटे हुए और ये लोग फंसे पड़े हैं। तो भाई हमारा ट्रिप यहीं पे खत्म होता है, थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।